हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अभी शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक मोबाइल के अंदर दो मोबाइल कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप सुनने में बड़ा हैरान होगा, चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो, मैं फोन को लॉक करता हूँ, फोन लॉक करने के बाद मैं फोन को ओपन करता हूँ। देखो, ये एक मैं पैटर्न लगाया, फोन जो ओपन हुआ, इसमें आप ये पूरे ऐप देख सकते हो जो मैं रूटीन में मोबाइल यूज करता हूँ वो वाला है। अभी मैं इसमें तो एक दूसरा मोबाइल चला के दिखाता हूँ। मैं फोन को लॉक करता हूँ, लॉक करने के बाद एक इसका मैं पैटर्न दूसरा लगाता हूँ। पैटर्न खोलने के बाद जब मैं ए वाला पैटर्न खोलता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो है ना बड़ी बड़ी कमाल की ट्रिक। इसके लिए फ्रेंड आपने क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी कैसे करना है आपने अपने फोन के अंदर। मेरे पास फोन फ्रेंड रेडमी का मोबाइल है, रेडमी के मोबाइल के अंदर जी मैं पूरी सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का या दूसरी कंपनी का मोबाइल है तो उसमें आप देख लेना, सेटिंग में जाके सेकंड स्पेस ढूंढ लेना, वहां से जाके आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले फ्रेंड मैं इसको सेकंड स्पेस को डिलीट करूंगा, उसके बाद दोबारा क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसको अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ स्पेशल फीचर नाम का एक ऑप्शन आता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट पे सेकंड स्पेस नाम का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है फ्रेंड, ये एक सेकंड स्पेस मेरे फोन के अंदर बना हुआ है तो इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल जहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जहाँ से जैसे डिलीट करेंगे तो जहाँ MI अकाउंट का एक पासवर्ड मेरे से मांगेगा जो मैंने लगा रखा है, तो मैं आपके सामने अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये डिलीट करके दिखाऊंगा। आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो ये आपके सामने ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये डिलीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दोबारा ये क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ आप इसको दोबारा क्रिएट कैसे कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखना, जो थोड़ा समय लेता है इस करके मैं इसको थोड़ा स्किप कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जे सेकंड डिलीट जो सेकंड स्पेस था अभी वो डिलीट हो गया है। अभी मैं इसको दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूँ। दोबारा देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं चला गया हूँ अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम वही ऑप्शन पे दोबारा जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्पेशल फीचर के अंदर जाते हैं और जहाँ पे थोड़ा सेकंड लास्ट पे सेकंड स्पेस नाम का एक ऑप्शन रहता है, जहाँ से हम एक नया सेकंड स्पेस क्रिएट करेंगे, मतलब एक मोबाइल के अंदर दूसरा मोबाइल क्रिएट करेंगे। तो जहाँ टर्न ऑन सेकंड स्पेस लिखा हुआ है इसको हम टर्न ऑन कर देंगे। जी फ्रेंड, थोड़ा सा समय लेता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपके टाइम की भी बचत हो जाए। तो जैसे फ्रेंड ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा भी आगे का प्रोसेस। देखिए फ्रेंड, ये क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ये पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 मिनट का समय लेता है, जो मैं आप यहाँ से वीडियो स्किप कर दिया ताकि आपके पास कंप्लीट आपको कंप्लीट पता चलता रहे ये मैंने कैसे किया। उसके बाद क्रिएटेड सक्सेसफुली होने के बाद जहाँ से आपको राइट साइड नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, यूजिंग ए शॉर्टकट, मतलब एक आइकन आपको दिखाई देगा शॉर्टकट का, वहीं से आप क्लिक करके सेकंड स्पेस में जा सकते हो। लेकिन ये श्योर नहीं रहता, जहाँ से यूजिंग ए पासवर्ड लिखा हुआ है इस पे हमने ओके करके जहाँ कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आके सेट पासवर्ड लिखा हुआ है, मतलब सेकंड स्पेस का जो पासवर्ड सेट करना है, जहाँ से हम सेट नाउ पे ओके कर देंगे। जैसे हम सेट नाउ पे ओके कर देंगे, जे वो वाला पैटर्न देना जो अभी आपके करंट मोबाइल में आप यूज करते हो। मैं जे वाला यूज करता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपने सेकंड स्पेस का पैटर्न आपने लगाना है, मतलब कि जो दूसरा मोबाइल आपके मोबाइल में जनरेट होगा इसका। चलो मैं पैटर्न जहां से जनरेट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो कन्फर्म करने के बाद आगे का ऑप्शन आप थोड़ा ध्यान से देखना, सेट फिंगरप्रिंट मांग रहा है। अगर आप जहाँ से फिंगरप्रिंट भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो आपके सामने सेकंड स्पेस ओपन हो गया, अभी ये आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये क्रिएट हो गया। अभी मैं आपको ये दोनों चीज दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, अगर मैं पहले वाला अपना जहाँ पे पैटर्न लगाता हूँ तो मेरे सामने वो वाला मोबाइल ओपन हो जाएगा जो मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देखो मैं थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पूरा मेरे मोबाइल में कौन कौन सी ऐप है जो आपके सामने ऐप आप दिखाई देख रहे होंगे फ्रेंड। तो अभी इसके बाद मैं फोन को दोबारा लॉक करता हूँ। दोबारा लॉक करने के बाद जैसे मैं ओपन करता हूँ, अभी मैं सेकंड स्पेस वाला पैटर्न लगाऊंगा। सेकंड स्पेस वाला मैं जैसे पैटर्न लगा देता हूँ तो फ्रेंड आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप रिमूव भी करना चाहते हो तो जहाँ से हटा भी सकते हो, तो आगे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड, तो है ना बड़ी कमाल की ट्रिक। आप इस तरीके से
अपने फोन में दो दो पैटर्न लगा के रखो जी, क्यों जरूरत पड़ती है फ्रेंड। कई बार हमें हमारी प्राइवेसी नहीं रहती, हम घर पे आते हैं या हम किसी फ्रेंडों के पास जाते हैं, फ्रेंड हमारा फोन ले लेते हैं, वो हमारे फोन में देखते हैं व्हाट्सएप पे किस पे चैट करता है या इसके फोन में कौन सी वीडियो कौन सी फोटो है, तो हमारी प्राइवेसी घर पे नहीं रहती, मतलब ना अपने फ्रेंडों के पास, ना अपने मतलब के नॉलेज वाले मतलब अपने जानकारी बंदों के साथ, ना बच्चों के पेरेंट्स के साथ, ना पेरेंट्स की बच्चों के पास कोई प्राइवेसी नहीं रहती। इसको मेंटेन करने के लिए जैसे आप घर पे जाते हो, जब आप किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हो, तो जहां से आप फोन को लॉक कीजिए, लॉक करने के बाद जो आपका सेकंड स्पेस का जो पैटर्न है उसको आप जहां से लगा के आप घर चले जाओ, जहां आप फ्रेंड के पास जहां से चले जाओ, तो वहां पे वो वाली सेटिंग आ जाएगी जो आपकी नए फोन में बोलेगा हाँ यार इसके पास तो मैं ये गैलरी में भी दिखाता हूँ, गैलरी में भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप जहां से सिंपली देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अगर आप बाहर जाते हो तो आप रिटेन वाला अपना मोबाइल यूज करना चाहते हो, जहां से आप वही जाइए, अपना सेकंड स्पेस वाला जो आप यूज करते हो वो वाला पासवर्ड लगाइए, तो जहां आपके सामने पूरी ऐप आ गई है, जहां से मैं गैलरी में भी दिखाता हूं, ये मेरी जो फोटो वगैरह पड़ी है वो भी इसमें सब पड़ी रहेगी। बड़ी कमाल की ट्रिक है फ्रेंड, बहुत सारी मेहनत तो होती है जिस आपको उसे ढूंढने के लिए, आपको बताने के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।